मैं जो बता रहा हूँ गुप्त ऋषि मुनियों के, अगस्त्य ऋषि के, विश्वामित्र के, काकभुशुंडी जी के, प्राचीन जो परंपरा में जो मंत्र आए वो मंत्र बता रहा हूँ। इसको सावन में खूब आनंद से उपयोग लेना, रोज अगर जब काम पड़े। इसका कोई सावन भादवा नहीं है, शंकर कोई सावन के नहीं है, शंकर तो सदा का देवता है। जब काम पड़े तभी रकटना, आपका काम हो जाता है। अभी थोड़े ऐसे मंत्र देखते हैं। नंबर वन, आज का अद्भुत मंत्र है ये, ये ऋषि मुनियों के लिए जयकारा लगाते हैं। बोलो सभी दिव्य ऋषि मुनियों के जय। क्या लिखा मैंने, ये मैं कुंवारे लोगों के लिए लिख रहा हूं भाई, ये अच्छे से आप समझ के लिखना, कि आप रटना मत इसको। हाँ, कैसी भी दोष के, कैसा भी दोष हो, ग्रह दोष हो, लड़के में कमी हो, लड़की में कमी हो, कोई प्रॉब्लम आया, कोई दुख आया, कोई परेशानी आई, कैसा भी दोष आया, हाँ, ये ऐसा बाण है, इसको बाहर बोलना नहीं। आप नंग शिवाय नमः, क्या बोलना, नंग शिवाय नमः, नंग शिवाय नमः। 108 से ज्यादा नहीं रटना एक दिन में, कितना, 108 से ज्यादा नहीं। कुछ ही दिन में देखोगे कि हाथ पीला हो गया, क्या हो गया, हाथ पीला, हाथ पीला। कैसे भी अगर जीवन में शादी में रुकावट आ रहा है, नंग शिवाय नम नहीं, नम याने ऐसे है, नम ये नम नहीं है, नंग 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 शिवाय नमः, नंग शिवाय नमः, क्या बोलना, नंग शिवाय नमः, क्या लगाना, नंग शिवाय नमः, नंग शिवाय नमः। और कल इसी समय हम 16 आदित्यों में हमारा भाग्य जगाने वाला आदित्य कौन है, जय हो, जय गुरुदेव। क्यों ये इसलिए आज पहले बोला, सावन चल रहा है, पहले बता दूं तो अधिक से अधिक लोग सावन में रट पिट के, सावन में ही रट लें, भादवे में शादी निश्चित हो जाए और दिवाली में शादी हो जाए, ऐसा मेरा भावना है, जय गुरुदेव। मेरी भावना क्या है, दिवाली में शादी हो जाए। ए हाँ बेटा, इसको मिटा। अब देखो ये क्या है, बस और आगे कुछ लिख दूं तो, क्या लिखा मैंने, अंग नहीं बोलना, अंग शिवाय नमः, नंग शिवाय, अंग नंग बोलोगे तो काम नहीं करेगा। अंग शिवाय नमः, नंग शिवाय नमः, अंग शिवाय नमः, नंग शिवाय नमः, अंग शिवाय नमः, नंग शिवाय नमः, अंग शिवाय। ये इस दुनिया का जादुई मंत्र है, रोज 108 बार रटना है। कोई भी संसार की बीमारी हो, ऋषि मुनि कह रहे हैं इसको रटोगे तो शिव की ऐसी कृपा होगी कि आपके हर प्रकार के रोग का इलाज होगा। ये क्या मंत्र है, और यही मंत्र आयु वृद्धि के लिए भी है, यानी रोग मिटेगा तो क्या होगा मेरे महाराज, आयु वृद्धि। तो ये दो काम करता है, जिसको लगे कि मेरे को उम्र के लिए ज्योतिष ने बोल दिया मार्केश लग गया है, अपमृत्यु हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई मौत आ सकती है, अंग शिवाय नमः रटे तो रोग निवारण भी है, अपमृत्यु से रक्षा भी है। जय गुरुदेव।
विपत्ति से रक्षा, क्या मंत्र है? विपत्ति से रक्षा। आप सबका कैसे भाग्य जग गया मैं ये सोचता हूँ। जयकारा गुरुदेव का। मैं ये सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा हूँ? भाग्य जग गया भगवान।